भी मैंने मूवी बनती है उसमें हीरो आगे आ जाता है, उसका फोटो बहुत बड़ा लग जाता है, तो ये लोग मुझे हीरो बना रहे हैं। एक्चुअली में डायरेक्टर तय करता है कि हीरो कहाँ बैठेगा, क्या कपड़े पहनेगा और क्या करेगा। उसमें एक प्रोडक्शन की भी टीम होती है, बिना टीम के ये कोई काम नहीं हो सकता। मुकुंदपुर की हमारी काफी महिलाएं बीच में आई हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दी मैम, ये सारी महिलाएं आई हैं। मैं मुकुंदपुर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने सेंटर मुकुंदपुर में शुरू किया था और आज हमारे बीच में हमारे मुकुंदपुर से हैं, शालीमार बाग से इस साइड काफी लोग आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे भी पता चला शालीमार बाग के कितने लोग आए हैं। हमारा शालीमार बाग को सेंटर स्टार्ट हुए 2 साल हुए और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली नहीं बट इमोशनली। लोग हमें इमोशनली पसंद करते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ये एक मेरे ऊपर ऋण चढ़ रहा है जो मुझे चुकाना है इस दुनिया में जाने से पहले। नेहा है, किशन पाल भाई हैं, ये लोग का नाम रखना है, जिंदा रखना है और इनके बनाए हुए आदर्शों पे। अभी मैंने आपको यही चीज बोला था कि हमारे पास लाइव आदर्श है, जीवित आदर्श है, और वो ये जीवित आदर्श हमारे बीच में थे और हमेशा दिलों में रहेंगे। हमारे बीच में हैदरपुर यूथ क्लब भी है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हैदरपुर यूथ क्लब स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने शुरू किया, लेकिन सबसे ज्यादा साफ सफाई का अगर काम कोई करता तो हैदरपुर यूथ क्लब के युवा लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी आप आ जाए। और मैं एक बात कहते कहते रह गया था, तब तक स्पोर्ट्स के लोग मैं बुला लूंगा जो लोग भी हैं। सुशील भाई बता दो, मनु भाई मोहित है, उसका नाम है हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद की विदेश विभाग का काम है ये। करुणा टीम ना केवल समाज सेवा का काम डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विदेशी छात्र आते हैं विदेशों से यहाँ पर हिंदी पढ़ने, संस्कृत पढ़ने या फिर भारतीय सभ्यता संस्कृति में कुछ करने के लिए, वो लोगों को ये करुणा की टीम उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, उन्हें वो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जब वो लोग अपने देश में वापस जाते हैं तो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते हैं, तो यही करुणा की टीम है जो ये काम भी कर रही है। अभी हमने लास्ट अभी बाबा रामदेव का हम नाम ले रहे थे, 156 कंट्रीज के बच्चों को हम बाबा रामदेव जी के पास लेके गए, उनको योग सिखाया, जिसमें काफी मुस्लिम लड़कियां भी थी और उन्होंने योग को बहुत खुशी खुशी अपनाया। और इजिप्ट की, कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, अफगानिस्तान की, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं सात समुंदर पार, हमारी हिंदी को सीखने, हमारी संस्कृत को सीखने, हमारे आयुर्वेद को सीखने, हमारे योग को सीखने के लिए। तो उन बच्चों के लिए भी हमारी संस्था काम करती है, सपोर्ट करती है। एक बार जोरदार करुणा का कंपैशन के लिए एक बार बजा दीजिए। ये स्लाइड हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारे बीच